Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, another beautiful day. तो आज भी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो धूप आ जाती है, कभी जो है ना वो बादल आ जाते हैं. जैसे अभी इनके आगे बादल आ गए हैं. ये बाहर का नज़ारा है जी. और अभी जो है ना हम जा रहे हैं घूमने फिरने, ठीक है. सबसे पहले जाएंगे खाना खाने, तो आज दिल है मेरा मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं. तो बस अभी जल्दी से चलते हैं मैकडोनल्ड्स, वहाँ से कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घूमने. तो यार मैं अभी आ चुका हूँ सुबह सुबह जो है ना मैकडोनल्ड्स पे. मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह खपना है, ठीक है. और यहाँ से मैंने कर लिया ऑर्डर, ठीक है, मैक चिकन चीज़ बर्गर और साथ में फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक. और ये देखो सुबह सुबह ही कितना रश हो गया यहाँ पे. अभी बज गए हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, ठीक है. और लोग किस तरह जो है ना वो आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्सिटीज़ हैं 2-3, इसके लिए भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं. और बाकी टूरिस्ट एरिया है, गर्मियों का सबसे जो अच्छा एरिया है ना वो यही है बागियो सिटी. तो यहाँ से मैकडोनल्ड से मैंने अपना ना ऑर्डर जो है ना वो दे दिया. अब बस पिक करना है मैंने, तो बस चलता हूँ अंदर, अपना ऑर्डर पिक करता हूँ फिर खाता हूँ. तो यार मैं अभी बैठ चुका हूँ ऊपर आके, ठीक है. और नीचे बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी थी. यहाँ पे एसी चल रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा ना गर्मी है. तो मैं अभी आ चुका हूँ ऊपर आके बैठ गया हूँ, ठीक है. यहाँ पर सिटिंग जो है ना काफ़ी ठीक थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठ जाते हैं. तो अभी बस अपना ऑर्डर आ रहा है, ठीक है. वो टैग नंबर मैंने उसको दे दिया ऊपर का, जैसे ही अपना ऑर्डर आता है फिर खाते हैं और फिर चलते हैं. तो भाई अभी जो है ना मैकडोनल्ड्स जो मैंने खा लिया है, और अभी खाना शाना खा के मैंने ये मोबाइल पे लगवाना था टेम्पर्ड, वो भी लगवा लिया है. और अभी बस जा रहा हूँ, क्या नाम है, एक राइड लेके जीपनी की. यहाँ पे एक लोकल जो है ना ट्रांसपोर्ट है, उसको जीपनी बोलते हैं. वो लेके तो मैं अब जा रहा हूँ, इनकी कोई पार्क है माइंस व्यू पार्क, तो वहाँ पे भी जाने लगा हूँ, ठीक है. देखता हूँ वहाँ जाके क्या मिलता है. तो बस अभी राइड लेते हैं जीपनी की, फिर मिलता हूँ आपसे. अब ये होती हैं जीपनीज, ठीक है. इसमें बैठ के जो है ना आप सफ़र कर सकते हो. और ये देखो लाइन से लगी हुई हैं, जैसे हमारे उधर लगती हैं ना वो, क्या नाम है, चिंची और रिक्शे. और यहाँ पे जो है ना ये जीपनीज होती हैं, और इसका किराया है तकरीबन 20 पैसों 10 पैसों, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कोई 40-50 रुपए. तो बस अब इसमें बैठते हैं और फिर चलते हैं. तो भाई साहब फाइनली 15-20 मिनट की राइड करके पहुंच चुके हैं, ठीक है. और ये जगह है जी माइंस व्यू पार्क, और ये कुछ बाहर से सीन है इसका, ठीक है. तो बस अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है यहाँ पे देखने को माइंस व्यू पार्क में. ये भाई इसकी एंट्रेंस माइंस व्यू पार्क बागियो सिटी की, ये रही इसकी एंट्रेंस. और बस यहाँ से अभी चलते हैं अंदर. यहाँ पे भाई जान टिकट है, और टिकट लेनी पड़ेगी. हमारी पार्कों में तो यार कोई टिकट शिकट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर टिकट है वो हमें लेनी पड़ेगी. बस टिकट लेते हैं और फिर एंटर होते हैं अंदर. तो भाई साहब ये एंटर हो गए हैं. एंटर होते ही यहाँ पे जो है ना, क्या नाम है, सुविनियर्स शॉप्स हैं, ठीक है. ये सारी मार्केट टाइप है. और यार धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ, जिस कंट्री में भी गया हो ना धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, कुछ देखते हैं कुछ यूनिक मिला तो, नहीं तो फिर चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को. क्या है जिस माइंस व्यू पार्क में, वो कहते हैं कि यहाँ से ना जो व्यू है ना पहाड़ों का वो बड़ा अच्छा नज़र आता है. तो बस चलते हैं फिर देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं. तो ये भाई यहाँ पे अब जो एंट्रेंस के बाद ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है ना फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है. तो बस अभी यहाँ से चलते हैं आगे. और ये टोटली सारी जगह जो है ना, यहाँ से दोनों तरफ प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि ये सेल करते हैं, ठीक है. तो बस अभी जा रहे हैं अंदर और देखते हैं क्या है अंदर देखने को. तो बस अभी इधर भी टोटली सुविनियर शॉप्स, मुझे लगता है भाई सुविनियर शॉप के अलावा इधर कुछ भी नहीं है, या फिर ये प्लांट्स हैं. तो बाकी ओ भाई साहब चेक करो यार, डॉग कितना बड़ा है, ओए 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 क्या बात है. इसके साथ भाई पिक्चर खिंचवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और जो हमने
देने नहीं है। और अभी चलते हैं आगे। ओ अब मुझे कुछ दिख रहा है, आगे व्यू दिख रहा है माइंस का। तो बस ऐसे ही है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। और इधर आ गया जी हॉर्स राइडिंग, और ये सर पे कुछ ठुल्लू सा पहना है ना, तो फिर क्या नाम है वो राइड देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जब ये पहनती है ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी बैठ गई है ऊपर लड़की, और जैसे उसने पहना हुआ ना ये लड़के ने ठुल्लू, ये पहनाते हैं सर पे। तो बस यही सिस्टम चल रहा है, इधर भी हॉर्स राइडिंग और सारा कुछ। ये है जी हॉर्स पिक्चर टेकिंग, सोलो 50 और ग्रुप 100। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इधर खिंचवाने की पिक्चर, ठीक है। तो बस अभी और देखते हैं यहाँ का व्यू, और यहाँ से जो है ना अभी जाना है हमने एंट्रेंस दिस वे। यहाँ से चलते हैं अभी ऊपर, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ हाइकिंग होगी। और ये यहाँ से व्यू है, लाइक काफ़ी डीप है। और यहाँ से अब जो है ना हाइकिंग अब स्टार्ट होगी, और चलते हैं अब नीचे क्या है यहाँ पे देखने को। ये स्टेयर्स आ गई हैं, ठीक है, ठीक हो गया। जैसे वो है ना अपना इस्लामाबाद में दामने को, वैसे मुझे लग रहा है ये जैसे वो मनाल के पास चीज़ें हैं ना सारी, हाँ वही सिस्टम है सारा, दामने को है यहाँ का, फिलीपींस का। तो बस अभी चलते हैं ऊपर। ये आ गए भाई ऊपर, वाकई यार नज़ारा तो कमाल का है, ये चेक करो ये सारा यहाँ जो माइंस व्यू, इसलिए इसको बोलते हैं। ये जो पहाड़ है, ठीक है, ये यहाँ से सारा व्यू जो है ना इसका नज़र आएगा आप लोग। तो अच्छा लग रहा है यार, और शुक्र है कि धूप चली गई है, तो अब मौसम जो है ना वो अच्छा है। तो यार ये है इनकी मेन प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ थोड़ी सी बस जो है ना जगह बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ से ये लोग पूरे व्यू का जो है ना मज़ा ले रहे हैं, और पिक्चर्स वीडियोस वगैरह सारे खिंचवा रहे हैं। व्यू तो यार वाकई बहुत लेवल का है, कैमरे में वैसे नहीं दिखता, ठीक है, जैसे रियल में दिखना चाहिए। तो बस अभी ये यहाँ का व्यू है, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बस, ये कुछ देर यहाँ पे ना देखता हूँ व्यू, इंजॉय करता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दूसरी साइड भी एक और जा रहा था रास्ता, तो वहाँ पे देखते हैं क्या है, तो फिर मिलता हूँ आपको। ये इनकी कल्चरल शॉप है, यहाँ पे ड्रेस वगैरह इन्होंने रखे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये लोगों ने पहने हुए हैं ना ये वाले, तो ऐसे ही भाई इन्होंने मुझे भी पहना दिया। यार चेक करो मैं कैसा लग रहा हूँ, यकीन करो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखता हूँ, ये टोटल जो है ना ड्रेस है, ठीक है। तो ये कुछ इनका कोई कल्चरल ड्रेस है जो ये पहनते हैं, और साथ में ना कोई म्यूज़िक चलता है वो लगाया होता है इन्होंने। तो बस मैंने कहा चलो जाते जाते ट्राई कर लेते हैं, तो बस अभी मैंने ट्राई कर लिया, इसको उतारते हैं फिर चलते हैं आगे। ये था जी माइंस व्यू पार्क जो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है ना डेस्टिनेशन वो हम जा रहे हैं द मैंशन हाउस, और वो यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है, शायद दोबारा जीप नहीं लेनी पड़ेगी या कुछ भी। तो चलते हैं सीधा मैंशन हाउस, वो दिखाते हैं आपको। साहब ये इनके स्टोर हैं, और इनकी ये टोटल चीज़ें जो है ना ये हैंडमेड है। यार चेक करो क्या कारीगरी की हुई है इन्होंने, ये चेक करो क्या बात है यार, ये टोटल चीज़ें हैंडमेड हैं, और यहाँ से आप जो मर्जी जो है ना वो ख़रीद सकते हो। तो यहाँ देखो ये सुविनियर्स, और ये समझ तो गई हो गई है क्या चीज़ है। तो बस इसी तरह ये भी चेक करो, तो बस ऐसे ही यहाँ पे स्टोर्स हैं, ठीक है। तो बस अभी विज़िट करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटल शॉप्स जो है ना वो सुविनियर्स की हैं, और इस तरह इसकी चीज़ें हैं जो हैंडमेड हैं, और ड्राई फ्रूट्स और एवरीथिंग। तो बस अभी चलते हैं यार बाहर, फिर मिलता हूँ आपको। तो यहाँ पे यार जीपनी ने उतार दिया हमें, और हम पहुँच चुके हैं जी मैंशन हाउस में। और ये मैंशन हाउस इसलिए इसको कहते हैं कि ये जहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट जब भी आके वेकेशन पे रुकते हैं ना, तो वो इस हाउस पे आके रुकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मैंशन हाउस, द मैंशन। तो ये प्रेसिडेंट का हाउस है, मतलब वेकेशन के लिए। तो बस यही था बस मैंशन हाउस,
ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये राज मैंशन हाउस, ये है ऊपर फिलीपींस का फ्लैग है और यहाँ पे जनाब जो है ना प्रेसिडेंट साहब वो आ गए खच मारते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ भी लोग जो है ना वीडियो शीडियो या पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो बनाते हैं आके, तो बस इसको ही बोलते हैं जी मैंशन हाउस। दोबारा उतर गए हैं ठीक है गाड़ी से और अभी जो है ना यहाँ पे पहुँच गए हैं बोटैनिकल गार्डन, ये है कोई इनका बागियो सिटी बोटैनिकल गार्डन। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्रेंस, ये लिखी हुई है बागियो बोटैनिकल गार्डन। तो मेरे ख्याल से जैसे वो है ना अंदर पौधे शौधे ये वो चीज़ें होंगी बस, प्लांट वगांट वगैरह सारे। तो बस अभी जो है ना चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या है देखने के लिए। ये बस इसकी एंट्रेंस है, तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या। तो यार ये ले लिए हमने टिकट यहाँ की एंट्री की और ये मेन एंट्रेंस है इसकी बोटैनिकल गार्डन की। और मुझे लग रहा है जैसे वो दुबई में गार्डन बनाया हुआ ना उन्होंने फूलों का, उस जैसा तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी शायद कोई ट्राई मारी हो, लेकिन वो उस तरह का मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है कि ग्रीनरी है, पौधे हैं, सारी चीज़ें हैं और लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है। तो अभी बस चलते हैं अंदर और देखते हैं जी क्या है इस बोटैनिकल गार्डन में। ये ना पास पास सारी अट्रैक्शन हैं इसलिए मैं एक ही ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ सारी ना, और बाकी जो रह जाएंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए। तो बस अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। यार ये कोई जो है ना इन्होंने इनसाइड छोटा सा बनाया हुआ है जैसे वो हमारे होते हैं ना नर्सरी। और यार ये देखो यहाँ पे कैक्टस कैसे हैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये इस तरह की जो है ना प्लांट्स और सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखो हर तरफ जो है ना नए से नए पौधा, ये कैक्टस होता है वही जो आजकल वो बालू निकले हुए हैं हिलते हैं ये वो हैं सारे। ठीक है, और इस तरफ देखो ये देखो ये गठल्लू बने हुए हैं। और ये देखो ये भाई सारे जो है ना ये कैक्टस की इकसाम है यहाँ पे, ये चेक करो क्या बात है। यार अभी बस मैं ना यहाँ से क्या ना मैं आ गया हूँ टैक्सी पे वापस, और ये अपना है होटल मेगा टावर, क्या नाम है रेजिडेंस टू, ये वाला मेगा टावर टू रेजिडेंस। और बस यहाँ से चलता हूँ अपने रूम में और कुछ रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो यार एक ये रेस्टोरेंट अभी ढूँढा है, मैं होटल से आ गया था वापस काफ़ी रेस्ट करके, तो ये भी एक होटल ढूँढा है, इसका नाम है अली हाउस हलाल रेस्टोरेंट। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, चिकन बिरयानी कौरमा, मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ इसका। ये रहा यहाँ पे चिकन बिरयानी शवरमा लाइक दैट लाइक एवरीथिंग दे हैव। सो यहाँ से ट्राई करते हैं ठीक है अपना फूड, और ये हलाल फूड है ठीक है। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो मिला है। और यहाँ पे इन्होंने सीनरीज भी लगाई हैं, पाकिस्तान का फ्लैग और खाना कबा और मदीना। सो अभी यहाँ पे बैठता हूँ, ऑर्डर मैंने दे दिया, मैंने कहा भी पहले चेक करता हूँ चिकन बिरयानी का, अगर तो अच्छी हुई तो फिर कुछ और ट्राई भी करेंगे साथ, जैसे कोई कौरमा या फिर नान ठीक है। तो बस अभी ऑर्डर दे दिया, जैसे ही अपनी बिरयानी आती है फिर आपको दिखाता हूँ कैसी है और टेस्ट करते हैं, वेट कर रहा हूँ अभी अपने ऑर्डर का। भाई साहब ये अपनी बिरयानी आ चुकी है और ये उसके ऊपर पता नहीं कौन सा मसाला डाल दिया है, तो अभी चेक करता हूँ कैसी है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है क्योंकि इसका जो ओनर है ना वो पाकिस्तानी है, वो भी यहाँ पे है नहीं था, नहीं तो मैंने उससे बात वगैरह करनी थी। तो बस अभी जो है ना बिरयानी टेस्ट करते हैं फिर बताता हूँ आपको कैसी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ अभी। तो यार यकीन करो ये है अली हाउस
ठीक है, और ये अली हाउस ऑफ शवारमा, इनके पास सारी आइटम्स जो हैं पाकिस्तानी हैं। और मैंने बिरयानी खाई है और यकीन करो बड़ा मज़ा आया मुझे, मैं भी झूठ बोलूँ बहुत मज़ा आया। तो मैंने उसको पूछा कि जो ओनर है वो पाकिस्तानी है, तो वो कहती हाँ अली उसका नाम है। तो मैंने कहा क्या मुझसे मिल सकता हूँ, कहती ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन वो ना पाकिस्तान गया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसकी बीवी, कहती वो तो फिलिपिनो है। तो मैंने कहा सही है, कहती सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वहाँ से ही लाता है, तो फिर यहाँ पे ना क्या नाम है वो कुक करते हैं यहाँ पे ना। भाई साहब ये चेक करो, सारे पागल हुए पड़े हैं यहाँ पे, हंसी डांस कर रहे हैं, ये चेक करो जरा जैसे हमारे उधर था ना ढोल पे मलंगी डांस, ये वो कर रहे हैं। तो यार कमरे में मैं हो रहा था बोर और यहाँ पे मैं आ चुका था, और ये है जी अमरीलो बार, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया हूँ अंदर, और यकीन करो मेरा जो है ना हासा नहीं था रुक रहा कि यह किस तरह का जो है ना बार ऐसे ही है। तो मैं अंदर गया और मैंने क्या ना मैं बैठा, और उसने कहा क्या लेंगे, मैंने कहा यार पानी बस ले आओ, क्योंकि उनके पास बाकी बियर शियर ही थी। तो मैं फिर बैठ गया अंदर, तो अभी जो है ना मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो लगा देता हूँ, ठीक है, जो भी अंदर हुआ है। तो बस ये था कि यहाँ पे वो डांस शांस या जैसे बैंकॉक आइलैंड में था ना पूरा ही अयाशी मॉल वाला, वो वाला उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जस्ट वो गाने शाने जो है ना बोलते हैं, आवाज़ ठीक है उनकी, इतनी कोई ख़ास भी नहीं है। तो बस ऐसे ही बैठा हूँ तकरीबन कोई 10-15 मिनट, उसके बाद मैंने कहा यार चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ बाहर, ठीक है, तो बस चलते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट यार अभी देखता हूँ किसी जगह अगर रुकता हूँ तो, अदरवाइज़ फिर सीधा होटल में जाऊँगा। अभी आपको एक यूनिक चीज़ दिखाऊं, ये एक रोड है, ठीक है, ये पूरा रोड जो है ना ये सुबह के टाइम जो है ना यहाँ ये चलता है, ठीक है, और शाम के टाइम यहाँ पे ये जो गाड़ी अभी लगी हुई है बागियो फाइनेस्ट की, शाम के टाइम ये ना इस रोड को बंद कर दिया जाता है, और बंद करके यहाँ पे लगा दी जाती है नाइट मार्केट, ठीक है। और अभी देखो ये इधर बंद कर दिया है, और बंद करके इधर से ये टोटल जो है ना मार्केट लगा दिया है इन्होंने। मैंने ये पहली दफ़ा देखा कि कोई रोड ब्लॉक करके शाम को मार्केट लगाई जाए, और ये 6 बजे रोड बंद हो जाता है, और उसके बाद ये चलता है तकरीबन रात के 1 बजे तक, और ये एंड तक जो है ना मार्केट चलती जाती है, जिसमें यू नो के शूज़ और कपड़े और खाने पीने की चीज़ें और साथ में मतलब कि दुनिया की हर चीज़ जो है ना इस मार्केट में आपको मिल जाएगी। और ये एक बड़ा कोई यूनिक चीज़ मुझे लगी है कि बकायदा रोड बंद करके तो फिर ये मार्केट लगाते हैं शाम को, और ये स्टॉल लगते हैं, और 1 बजे के बाद ये सारे स्टॉल जो हैं वो वापस उठा लिए जाते हैं, क्योंकि दोबारा से सुबह ट्रैफिक जो है ना वो चलनी होती है। तो बस इस मार्केट को करता हूँ अभी एक्सप्लोर, और उसके बाद जाना है मैंने सीधा होटल, क्योंकि रात हो चुकी है अब तकरीबन बज रहे हैं 11। तो बस इसको करता हूँ एक्सप्लोर, फिर चलते हैं होटल। तो फाइनली यार मैं होटल में आ चुका हूँ, ठीक है, और अभी जो है ना सीधा चलता हूँ रूम में, और मैं इस व्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और क्या नाम है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब दोस्तों के साथ जो है ना इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, ऐसी वीडियो देख के ना चला जाया करो, क्योंकि आपके लिए आप देखो मैं व्लॉग्स पर व्लॉग्स डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।